हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम अ प्रो। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक फलाहार की बहुत यम्मी सी रेसिपी, जिसे बनाना तो आसान है ही और इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं। इसे बोलते हैं फलाहारी आलू की टिक्की। बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है और खाने में बहुत लाजवाब है। अगर आप, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए कुछ नया कुछ अच्छा सीख लें आज। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। एक कटोरी मैंने सौंफ के चावल लिए हैं, एक मिर्ची ली है, 6 आलू लिए हैं, 1 नींबू लिया है, 1 कटोरी मैंने ली है मूँगफली, 1 मुट्ठी भर के धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना, स्वाद अनुसार नमक और ये 1/2 चम्मच हम लेंगे काली मिर्च और बनाने के लिए, सेकने के लिए हम लेंगे देसी घी। अब सबसे पहले हम ये जो सौंप के चावल हैं ना, इसे 3 बार हम धो लेंगे। धोने के बाद मैंने इसके अंदर 2 कटोरी पानी डाल दिया, क्योंकि 1 कटोरी चावल था तो 2 कटोरी पानी डाला है। उसके बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी। इसे बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद हम इसे ना ठंडा करेंगे। आप देख सकते हैं ये बॉईल होके इसको मैंने बंद कर दिया था और ये इसको ठंडा करने के लिए ना मैं इसे दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे फलाहार का टाइम हो गया इसलिए मुझे जल्दी से चाहिए थी ये, इसलिए मैंने इसे दूसरे बर्तन में ठंडा कर लिया। आप चाहें, आपके पास टाइम है तो उसी बर्तन में आप इसे ठंडा होने रख सकते हैं। अब मैं आलुओं को बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। आलुओं को हमको 2 से 3 सीटियाँ लगानी है, उसके बाद ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। अब ये देखिए बॉईल होके आ गए हैं हमारे आलू। अब इसे एक अलग प्लेट में रख देंगे, जिससे ये पानी से अलग होके जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। अगर हम कुकर में ही रखे रहने देंगे तो ये ठंडे होने में टाइम लगाएंगे। अब ये देखिए पानी से मैंने बाहर निकाल दिया, ये ठंडा हो गया है। अब जब तक हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक हम कर लेते हैं चॉपिंग का काम। मैंने पुदीना और धनिए को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है, मिर्ची को भी वॉश कर लिया है और अब हम इस सभी चीज़ों को बारीक बारीक काटेंगे, क्योंकि इसे हम डालेंगे उसके अंदर टिक्की के अंदर, तो इसका फाइनली चॉप होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से फाइनली चॉप कर रही हूँ। फाइनली चॉप करने से ये होता ये है, ये अच्छे से हमें फ्लेवर देती है टिक्की के अंदर। अब ये फाइनली चॉप हो चुका है। अब इसी तरीके से मैं मिर्ची को भी अच्छे से फाइनली चॉप करूँगी, क्योंकि मिर्ची का अगर बड़ा दाना हमारे मुँह में आता है ना तो मिर्च ज़्यादा देता है। अगर लेकिन यही मिर्च अगर फाइनली चॉप हुई हुई होती है तो तीखी कम लगती है, क्योंकि वो टिक्की के साथ सिक जाती है। अब ये देखिए मैंने अच्छे से इसको फाइनली चॉप कर लिया है और अब हम अपने आलूओं को ना ले आएंगे और उन्हें छील लेंगे। अब लेके आती हूँ मैं ये आलू और अब मैं इन सबको ना बारी बारी से छील लूँगी। छीलते टाइम ध्यान रखना है गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले इसे ठंडा किया और फिर उसके बाद छीला है। ये देखिए दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, हमारे चावल भी ठंडे हो चुके हैं। अब आलू पुदीना धनिया ये सभी चावलों के साथ डाल देंगे और अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले ही हम चावलों में नमक डाल चुके हैं, नमक थोड़ा ध्यान से डालना है। उसके बाद मैंने मूंगफली डाल दी है, अब 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च डाल दी है और अब मैं 1 पूरा नींबू इसके अंदर निचोड़ दूँगी। ये देखिए मैं इसमें से बीज निकाल रही हूँ, बीज को अलग रख लेंगे और नींबू को अच्छे से निचोड़ते हुए पूरा 1 नींबू हमें इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए मैंने पूरा 1 नींबू इसके अंदर डाल दिया है और नींबू डालने के बाद अब हम इसको अपने हाथों की मदद से पूरा मैश कर लेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से मैंने इसे मिक्स किया है, हाथों की मदद से करना है, जिससे कि जो आलू है उसमें अच्छे से मैश हो जाए। आप देख पा रहे होंगे ये अच्छे से मैश हो गया है। बस यहाँ पे हमें ना अपने हाथों को वॉश कर लेना है, क्योंकि इस तरीके से हम ना टिक्की नहीं बनाएंगे। सबसे पहले मैंने बात
वॉश कर लिया हाथों को वॉश करते हुए इसका एक पेड़ा बनाया और पेड़ा बन दोनों हथेलियों में रख के उसको थोड़ा सा चपटा किया। चपटा करने के बाद उसे साइडों से भी इवन कर लिया है। ये देखिए बनके तैयार हो गई है हमारी टिक्की। इसी तरीके से पैन में जितनी टिक्की आएंगी उसे पहले हम बना लेंगे, उसके बाद हम पैन को गर्म करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं मैं सारी टिक्कियाँ बना रही हूँ, एक बार और दिखा रही हूँ। पहले एक पेड़ा लिया, उसे हल्का सा प्रेस कर दिया उसको, फिर साइडों से उसके किनोर्स ठीक कर लिए। ये बनके तैयार हो गई हमारी टिक्कियाँ। और अब मैं पैन की तरफ आ चुकी हूँ। पैन में मैंने डाला 2 बड़े चम्मच देसी घी। अगर आप रिफाइंड भी खाते हैं ना व्रत में तो आप वो भी ले सकते हैं। ये देखिए अब मैंने हल्का सा गर्म किया और ये टिक्की रखना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखना है हमें टिक्की को ना धीमी आंच पे या मीडियम आंच पे ही पकाना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं तो ये अंदर से सिकेंगी नहीं। हमें ना बाहर से सिका हुआ होने के साथ साथ अंदर से भी सेकना है। और यहाँ पे एक बात और नोटिस करनी है, जब तक हमारी एक तरफ पक नहीं जाए, कुरकुरी नहीं हो जाए, तब तक हमें टिक्कियों को नहीं पलटना। अगर आप जल्दबाजी में इसे जल्दी से पलट देंगे ना तो ये टूट सकती है। आप देखिए ये इस तरीके से जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएगी ना तभी हमें इसे पलटना है, नहीं तो ये हमारी टिक्कियाँ टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से एक तरफ से जब गोल्डन हो गया तब मैंने पलट ली अपनी सारी टिक्कियों को। आप देख सकते हैं कलर बहुत अच्छा आया है। इसे भी अब हम दूसरी साइड भी मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पका लेंगे। अब आप देखिए मैं दूसरी तरफ से भी पलट रही हूँ और एक बार फिर से हम दूसरी साइड भी अच्छे से, जब हमारा डार्क गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इन टिक्कियों को प्लेट में निकाल लेंगे। और देखिए आप कितनी लाजवाब फलहारी टिक्की बनके तैयार है। ये जितनी दिखने में अच्छी है ना ये उतनी टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। आप मेरे कहने से एक बार ज़रूर बना के खाइएगा, आप फैन हो जाएंगे इसके। अब मैंने बची हुई टिक्की भी डाल दी है और अब मैं आ गई हूँ सर्व करने। यहाँ पे सर्व करने के लिए मैंने लिया है दही। सबसे पहले मैंने प्लेट में रख ली है टिक्की के ऊपर डाल दिया है दही। यहाँ पे अगर आप चाहें तो पतला दही करके भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने डाल दी इमली की लाल चटनी और ये मैंने पुदीने और धनिए की चटनी बनाई है वो डाल दिया। मेरे बन के तैयार है एक फर्स्ट क्लास फलहारी डिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और ये वीडियो आगे जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।